الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال عليه الصلاة والسلام मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आजीज साथियों और उलमाए किराम, मैं तो अपनी ज़ात को एक तालिबे इल्म की ज़ात समझता हूँ और ज़िंदगी की कुछ कारगुजारी सुनाने हाजिर हुआ हूँ। ख़ास तौर से मेरे रफ़ीक सफ़र और मेरे मुसीर हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और उलमाए अहमदाबाद शहर के उनके हुक्म पर आकर बैठ गया। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर दे, इस लायक समझाओ जैसे मौलाना फरमा रहे थे कि इस मस्जिद को अल्लाह ताला ने एक मुनासिबत दी है कि अकाबिर उम्मत का यहाँ आना जाना रहा। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ और दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार कर रहा था कि अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को इस जगह पर बिठाया और कुछ बात करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप सबको भी उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह उसके रसूल ने हमें एक सबक पढ़ाया था जिस पर इस उम्मत की बुनियाद को उठाया था। सबक क्या था? सबक था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके और दुनिया में क़यामत तक के आने वाले इंसानों के रसूल है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे तो ज़िंदगी की कामयाबी है। चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जिस मुल्क में रहता हो, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हम दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे और ये तयशुदा बात है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ कोई बयान या कोई तकरीर नहीं, एक ज़िंदगी की बहुत अहम कारगुजारी सुनाने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जब चाहे हिदायत दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आदमी कोशिश करें। और नबियों की दावत भी यही रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, सभी की दावत एक ही थी कि लोगों अल्लाह की मान लो और अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजार लो तो कामयाब हो जाओगे। सवालात कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत उठाकर देखेंगे तो अल्लाह ही की पहचान और अल्लाह ही की तरफ बुलाया। और इस उम्मत के साथ खास मुनासिबत लगा दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आना नहीं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम था उस उम्मत के सुपर्द किया गया। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कितने जबरदस्त अलकाब के साथ और कितनी तारीफ के साथ पुकारा। और खरीजत लिन्नास, उलमाए किराम बैठे आप इनसे तफसील मालूम कर सकते हैं कि कुरान के अंदर इस जगह पे बहुत सारे अल्फाज आ सकते थे, लेकिन इस उम्मत को एक मुनासिबत दी और तारीफ के साथ बोला अखरिजत लिन्नास। और क्या कहा? जो नबियों की दावत होती थी, नबुव्वत का जो दर्जा होता था, इस उम्मत के सुपुर्द किया गया कि अब कोई नबी आना नहीं, तो अब ये नबुव्वत वाला काम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत करेगी कि लोगों के पास जाएगी और अल्लाह की पहचान कराएगी और अल्लाह की आली बोल को बोलेगी और अल्लाह की मारिफत को बोलेगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलेगी और अल्लाह की वहदानियत को बोलेगी और टूटे हुए और जो अल्लाह से दूर है उन बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ेगी। इस उम्मत की मुनासिबत है। यहूदियों को उनकी मुनासिबत के साथ, यहूद के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में पुकारा, ईसाइयों को ईसाइयों से पुकारा, लेकिन मेरी और आपकी जब बारी आई एक कम नवे दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में या अय्युहल्लदीना आमनु या अय्युहल्लदीना आमनु या अय्युहल्लदीना आमनु, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह के खजाने में हिदायत सबसे बड़ी दौलत है और
अल्लाह के ख़जाने में ईमान सबसे बड़ी नेमत है जो मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया। ये बहुत कीमती और बहुत अहम दौलत है। अब इसको बचाकर और इसको बाकी रखकर और इसको ज़िंदगी में उतार कर आखिरी घड़ी तक ज़िंदगी में रखकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है और अल्लाह के सामने पेश होना है, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर दीन के साथ ज़िंदगी गुजारना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए फला मुश्किल चीज़ है, फला मुश्किल चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और जिनकी जिंदगी में दीन नहीं है उनकी जिंदगी खोखला है। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने चंद माह पहले इस अहमदाबाद के साथ कुछ बातें जहन में आ गए कि एक मुनासिबत है कि मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह हजरत काजी दिलवाब साहब की यहाँ नस्बत लगी हुई है, तो अल्लाह ताला ने उन बड़ों की पता नहीं कौन सी ऐसा अमल और उनकी दुआएं कबूल फरमाई कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक समझा और अल्लाह ताला ने मेरे साथ एक नस्बत जोड़ दी। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नस्बत है और मेरी नजात की और अल्लाह के यहाँ बख्शिश का जरिया बनेगा कि चंद माह पहले मेरा निकाह हुआ, जिस तरीके से पता है मेरी अहलिया मोहतरमा। तो मैं जब निकाह के बाद एक दफा उनसे पूछा कि आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो और आप इस तरफ आई हो, इससे आपको क्या महसूस होता है? मुझे कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सारी नेमतें दे दी है दुनिया की। मैंने कहा उस जमाने में भी सारी नेमतें थी? बोले उस जमाने में सारी नेमतें थी, इज्जत थी, दौलत थी, शौहरत थी, क्योंकि वो जिस फैम में थी उसके अंदर जो एक नौजवान सोचता है ना कि मैं इस मकाम पर पहुंच जाऊँ, या एक नौजवान बहन सोचती है कि मुझे इज्जत भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, शौहरत भी मिल जाए। वो इज्जत क्या होती है ना, नाम की इज्जत होती है। ऐसा बहुत दुनिया में आए लेकिन वक्त के साथ जब हशर एंड आ गया तो कोई याद भी नहीं करता, जो चले गए कोई याद करता है, कोई याद नहीं करता। और जिसने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर जिंदगी गुजारी उसको असल इज्जत मिली है। जैसे बहुत से साथी माशाल्लाह अल्लाह के खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी तो अल्लाह ताला ने उनसे दुनिया ही में इज्जत वाला काम लिया और उनकी मौतों को भी ऐसा इज्जत का और हिदायत का जरिया बनाया और आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप तो मशहूर भी थी, आपके पास तो पैसा भी था, और पैसा इस तरीके से होता था कि मैं और आप काम करते हैं, थक जाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, और इस पर इतनी मेहनत करेंगे, इतना टाइम सर्व करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। ये हम लोग प्लानिंग कर रहे हो, सबका ये हाल है, मेरा और सबका ही, जितने बैठे हुए हैं, और करना भी चाहिए, अल्लाह ने हलाल रोजी को इबादत करार दिया है। लेकिन वहां ये होता था कि भाई बस एक इवेंट करना है, रिबिन काटनी है, तो 5 लाख 7 लाख मिल जाता है, ये हमारा पैकेज है। बिजनेस क्लास टिकट मिलती है, मन चाहे जितने दिन जिस कंट्री में जाओ जितने दिन रहना है मिल जाता है, और वीजा भी सारी चीजें आसानी से लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा हमारे मौली साहब लोग दुआ करा करा के थक गए, 200 रुपए भी कोई नहीं देता। सर उलमाए किराम हमारे बैठे हैं वहां, दुआ करना बरकत हो। मैं कहता हूँ साथियों से कि बरकत कहाँ से होगी, पहले बरकत को लेने के लिए कुछ तो लगाओ। मैंने कहा आप लोगों को अच्छा था कि रिबिन काटनी है और खाली ही हा करके आ जाना है और 4-5 लाख, और वो पैसा पहले लेना है, बाद में नहीं, पहले पैसा लेना है। मैंने कहा जब आपके पास पैसा भी था और जो डिजाइन आम मतन हमारी बहनों के अंदर शौक ज्यादा होता है, बतौरे लड़कों के लड़कियों के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज रखी हुई है कि उनके अंदर शौक ज्यादा होते हैं पहनने ओढ़ने के, मैंने कहा जो डिजाइन बाजार में नहीं आती वो आपके पास पहले आई होती है और जो आप लगा लो उसको पूरा करते। मैं एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ बैठा हुआ था, डिजाइनर के साथ, तो मुझे कहने लगा मौला मैं एक जगह वो रेप पे जो डिजाइन लॉन्च होती थी कुछ डिजाइनरों का था, तो एक बंदा चल रहा था, मॉडल लड़का चल रहा था, तो वो जल्दी जल्दी में उसका एंगल लटक गया पीछे, तो वो चलने लगा, तो डिजाइनर ने कहा यार हुक लटकी हुई, बोले डिजाइन है, वो डिजाइन बन गई। बोले मैंने कहा दुनिया ऐसी पागल है, मैंने कहा पहनने की चीजें आपको मिल रही है, खाना पीना आपको अच्छा से अच्छा मिल रहा है, फिर क्या बात थी? बोले दिल के अंदर एक खाली जगह थी और ये डर होता था कि मैं इस हाल में मर गई तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। उस खला के अंदर मैं सो नहीं पाती थी। और एक चीज थी कि नमाज बहुत बड़ी दौलत है, जो हमारे अलमा कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम सुनते हैं कि नमाज के नमाज से सारे मसले हल होते। मैं ये समझता हूँ कि उनका इस तरफ आना और अल्लाह के साथ ताल्लुक का जुड़ना ये एक बहुत बुनियादी चीज़ नमाज थी। वो कहती थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। सन 2000
12 से मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, चाहे सेट पे हूं, चाहे शूटिंग पे हूं, चाहे फ्लाइट में हूं, नमाज के वक्त मैं नमाज जरूर अदा करती थी और कजा नहीं करती थी। हमारा क्या होता है, हम सफर में होते नमाज कजा करते थे कि बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बोले मैं नमाज कजा नहीं पढ़ती थी, बस पढ़ लेती थी। तो मैं ये सोचती थी जब रात सोती थी कि मेरा ये सब करना मैं लोगों को देती भी हूं। आप मतन जो उस दुनिया में होते ना खर्च बहुत करते हैं, तो कहते मैं देती भी बहुत ज्यादा थी और रमजान के रोजे भी रखती थी, नफल रोजे भी रखती थी, नमाज का एहतमाम भी, लेकिन ये सोचती थी कि मेरे से फायदा क्या। मैं ये समझती हूं लेकिन लोगों को, इंसानों को दुनिया में मेरे से फायदा क्या, कोई एक रुपए का फायदा नहीं है, चाहे हमारा मजहब हो, चाहे हमारे बिरादराने वतन, हमारे भाई हो, किसी को फायदा नहीं। तो मैंने कहा फायदा कैसा पहुंचाना चाहती थी, बोले वो हमारी एक अय्याशी में थे, बस हमें यह होता था कि हमारा मकसद पूरा हो जावे चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस तरफ आने के बाद मेरा दिल नरम हुआ कि दुनिया में बसने वाला हर इंसान अल्लाह का बंदा है, इसको मेरी जात से फायदा हो जावे। मेरी सोच ये हो गई कि मैं किसी को कैसे भी काम आ जाऊं, किसी भी तरह से काम आ जाऊं, कि कोई भाई और बहन परेशान है उसके मैं काम लग जाऊं। उस वक्त पे आती थी ये सोच, लेकिन क्या कर देते थे। लेकिन इस वक्त ये कि भाई मैं ग्राउंड पर होके उनका काम करूं, ये एक मेरी फिक्र आ गई बोले। और मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैंने कहा कोई ऐसा वाकया, बोले वाकया ये हुआ रमजान था 2019 का, मैं सोई हुई थी, बोले शहर से पहले मैंने कब्र को ख्वाब में देखा और बहुत बुरी हालत में देखा, तो मैं एकदम चौंक कर उठ गया, मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया। उसके दूसरी रात मैंने कब्र को देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा, फिर आवाज सुनी कि अगर जिंदगी ऐसे गुजारोगे तो ये मिलेगी वरना वो मिलेगी। अब मैं परेशान थी कि मैं इतनी आगे चली गई थी कि पीछे हटना बहुत मुश्किल था, कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि एक जिंदगी ऐसी होती है कि उसकी चांदनी और सारी चीजें, तो वो छोड़ना जब आदमी सोचता भी है ना। हमें बहुत लोग मिलते हैं बंबई के अंदर कि मौलाना दिल खाली, एक पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सिंगर हमारे भाई, उनके भाई फौत हो गए एक साल पहले, वो मुझे बातों बातों में कहने लगे मौलाना हज करना, और फिर उन्होंने बाकायदा रो दिया, बोले मौलाना बस दुआ करो कि अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे और अल्लाह का घर खोल देवे कि हज हो जावे, ये दुनिया क्या है, बोले मेरी इतनी कट गई अब मुझे क्या मिलेगा। यानी तलब होती है ना तलब, हम यानी किसी के लिए ये ना कहे कि यार ये ऐसा है, अरे भाई हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि ये ऐसा है। हम जाकर देखें तो सही कि अल्लाह ने बतौर ईमान वाला हर एक को बहुत बड़ी नेमत दी है कि उसने एक दफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो अल्लाह की नजर में बहुत कीमती है, मैं और आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते और मैं और आप उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते। वो मुझे कहने लगा मौलाना बस मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा आपके जज्बात से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इन सब के लिए अगले साल इंशाल्लाह हज खुल जाएगा तुम्हारी तमन्ना से, उसको मैंने ये कहा। वो इतना खुश हुआ कि बोले बस मौलाना यार जिंदगी पता नहीं है कब अल्लाह का अमर आ जावे और हम दुनिया से चले जावे। तो मैंने मेरी अहलिया को कहा, मैंने क्या उसके बाद, बोले उसके बाद 19 पूरा निकला, मैं जॉर्डन शूटिंग में गई तो बोले वहां मैं जिस होटल में थी तो वो रेप करके कुछ तरीके से बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो बोले मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे कफन पहनाया गया और बाकायदा मुझे नींद नहीं आती थी। मैं पूरा एक डेढ़ महीना बोले वहां एक शूटिंग के लिए रही, मुझे नींद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा बेचैन रही। अब उसके पसे मंजर में ले जाओ, हमारे जो बड़े होते ना काबिर उम्मत व काबिर उम्मत होते, अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों की कदरदानी की तौफीक दे। सन 2018 की हज के ऊपर मैंने हजरत मौलाना तारिक जम साहब से कहा, मैंने कहा मौलाना फला बहन है, पहले मैं बहन कहता था, एक बात बड़ी यहाँ हंसने वाली है, मैं उसको बहन कहूँ। मैंने कहा मौलाना मैं इनसे पहली दफ़ा 2017 हज उमरे पे मिला रमज़ान में, उनकी वालदा और उनके घर वालों को लेकर वो आए थे, तो मैंने कहा बहन आपको कुछ काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, माफ़ करना ये बात, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, हमारे तसव्वुर में भी अल्लाह क्या फैसले कर चुका होता आगे हमें नहीं पता होते हैं। फिर मैंने हज़रत मौलाना से कहा, मैंने कहा मौलाना आप इनसे बात करें। मौलाना ने बात की कि बेटी मैं मिलना चाहता हूँ, तो कहा कि मैं दुबई आ रही हूँ, तो मौलाना कहा मैं ज़रूर आऊँगा बेटी आपको मिलने। तो मैं हज से वापस दुबई आया और वो भी अपनी वालदा के साथ दुबई आ गई। मौलाना उन्हें मिले 6 से 8 घंटे, वो अपनी वालदा के साथ थी, मौलाना अपने घर वालों के साथ थे, मिले फिर वो भी आ गए, मैं भी इंडिया आ गया। मौलाना का अगर सफर था कनाडा का, मौलाना वहाँ चले गए। मौलाना मुझे कहते हैं कि बेटा अगर आपकी सना से कोई सगाई हो जाए तो बहुत अच्छा काम आ जाए। मैं अल्लाह की शान 3 दिन जमात में था, तो मेरे साथ ही मेरे एक दोस्त को मैंने कहा मौलाना का दिमाग सटका गया है। मैंने मौलाना के बेटे को मैसेज किया, मैंने कहा यार वालिद साहब का दिमाग, वो कनाडा में थे तो हमारे वक्त का फर्क था, तो बोले क्या हुआ। मैंने कहा मौलाना किसी के साथ किसी का भी निकाह जोड़ देते, अगर मैंने इनको ये बात कह दी ना तो ये मुझे जूता उठा के मारेंगे,
कि यही काम रह गया है। फिर मैंने अल्लाह के आगे मांगा, मैंने कहा यार बात तो बड़ी है लेकिन पता नहीं क्या है ये। ये 2018 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 19 पूरा चला गया, 19 रमज़ान में हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और हम साथ में इकट्ठे उमरे के सफ़र पे साथ थे, तो मौलाना को मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई तो मौलाना मुस्कुराए। मौलाना ने जाहिर सी बात है कोई भी मुस्कुराएगा आदमी, मैं एक तरह से मौलवी, अपनी ज़िंदगी मौलवियों की सीधी सादी ज़िंदगी होती है, तो मौलाना भी मुस्कुराए। मैंने मौलाना के बेटे से कहा, मैंने कहा मौलाना किसी का भी रिश्ता किसी के साथ भी जोड़ देते, पीछे मुड़ के पूछते नहीं इसका क्या हाल है। तो बोला अभी तक आपने लड्डू मुँह में रखा है। मैंने कहा यार अब लड्डू ऐसा पकड़ा है कि मुँह में तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर मौलाना की तबीयत बहुत ख़राब थी मदीने मुनव्वरा में, फिर हम लोग इंडिया आ गए और उसके बाद वो जॉर्डन में थी, उनकी शूटिंग चल रही थी, 20 में वो वापस आई। फिर मैं अल्लाह की शान उमरे पे मदीने मुनव्वरा में था, फरवरी के महीने में लॉकडाउन से कबल, तो उनका मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। 3-4 दफ़ा मैसेज आया, मैं हरम में था तो मैं देख नहीं पाया। फिर मैंने रात में बोले मैं आपसे कुछ बात करना, कुछ मसाइल थे। वो मुझे कहे कि ये मसाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। मैंने कहा यार आपके पास दौलत थे, शौहरत अभी आपके पास माशाल्लाह काम है, जब लॉकडाउन लगा नहीं था। मैंने कहा अच्छी ज़िंदगी ऐसा क्यों बोलते हो। मैंने कहा अल्लाह आपके लिए बहुत आसानी करेगा, बस आप अल्लाह से मांगो। उस बंदी ने उस रात से तहज्जुद शुरू किया, तब पहले कभी कभी पढ़ती थी लेकिन आज तक माशाल्लाह उसकी तहज्जुद फौत नहीं हुई। सफर हो हज़र हो, यानी अल्लाह कहते हैं ना कि तहज्जुद नेकों का अमल है और नबियों का ये बहुत अहम सुन्नत रही है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे नबी जी रात में आपकी और मेरी मुलाकात और मेरी बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप रात में मेरे पास आया करें, कुरान कहता है इस बात। तो ये नबियों का शेबा है और रात के अंदर उठकर अल्लाह से मांगना ये बहुत बड़ी चीज़। अल्लाह मुझे और आपको इसका लुत्फ नसीब फरमाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अल्लाह से मांगो। तो फरवरी का ज़माना था, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया, कुछ मसाइल थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हें इस मसाइल से, और कोई दूसरे मसाइल नहीं थे, बस वो ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं था, चैन नहीं था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें निकालेगा। जैसे जैसे रमज़ान करीब आता या शाबान आता गया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में बंद कर दिया है जो टेलीविज़न था। मैंने कहा यार शुरू रखो, क्यों बंद किया। मैंने कहा चलाओ यार क्या मसला है। बोले बस दिल नहीं होता। रमज़ान आ गया, रमज़ान में माशाल्लाह मामूल के मुताबिक हर साल 2 कुरान ख़त्म होते थे पहले उनके, उस साल उन्होंने 3 कुरान ख़त्म किया। मैंने कहा बड़ा अल्लाह मुबारक करे। रमज़ान के बाद उन्होंने मौलाना को कहा कि मुझे निकाह करना है अनस से। मौलाना का फिर मुझे आया, मैंने कहा मौलाना 2018 से ये 2020 हो गया माशाल्लाह से, मेरे वालदेन भी मैंने कहा इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है मैं एक ही बेटा अपने वालदेन का, तो मैंने कहा मौलाना, उन्हें नहीं अब होगा। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ठीक है, मैंने क्या जून जुलाई का महीना था और उसी के अंदर 2-3 माह और गुजर गए। मैंने इनको कहा यार, फिर जैसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है, जैसा बंदा होता है ना ऐसा इम्तिहान होता है, लेकिन बंदा जमा रहता है ना तो अल्लाह की मदद आती है। बंदे की दिल की नीयत साफ़ होती है और मज़बूत होती है ना तो अल्लाह ताला की मदद ऐसे आती है। इतना काम आना शुरू हुआ, जैसे लॉकडाउन खुलने गया तो वो जो पता नहीं नौजवान सारे बैठे हैं, मुझे नाम याद रहेगा, खतरों के खिलाड़ी एक शो आता है, पता नहीं यार नौजवान बैठे होंगे, मैंने देखा कभी नहीं है लेकिन वो बताते थे, तो उसकी ऑफर आई। बोले पहले जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चले जाओ कर लो आप। मैंने कहा कर लो हमारा क्या है, 10 दिन की बात है आपकी। बोले नहीं बस नहीं करना। इसके बाद जो इन्होंने वेब सीरीज यानी एक शूटिंग की थी उसका दूसरा पार्ट आना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, तो काम बोले इतना आया कि 17-18 साल की ज़िंदगी में कभी इतना नहीं आया, इतना काम आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार कर लो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सर से अपने दुपट्टा कभी नहीं उतारूंगी। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये आसान नहीं है। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, हमारा दीन किसी को किसी तरीके से बांधना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बड़ी आसानी बड़ी सहूलतें और बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है दीन। ये दीन अल्लाह ताला मुझे और आपको समझा दे, इसका असल दीन हमें और आपको समझा दे। तो मैंने उनको बोले बस मैंने तय कर लिया। मुझे कहा कि मुझे अनाउंस करना है, मुझे छोड़ देना है। मैंने कहा यार आप सोच लो, मैं टालता रहा। अक्टूबर आ गया, बोला आपने अब नहीं कहा ना तो मैं अपने एतबार से अनाउंस कर दूंगी। मैंने कहा यार खामोखा क्यों ये कर रही हो। बस बोले बस मैंने 17 साल की ज़िंदगी के अंदर लोगों को इससे नुकसान पहुंचाया है, तो मेरा नीयत है कि मैं अल्लाह के बंदों की और इंसानों की खिदमत करूँ। दुनिया में बसने वाले हर इंसान चाहे जो भी मज़हब का हो, मैं उसके लिए काम आऊँ, मैं उसके लिए खिदमत करूँ। लोग परेशान हाल है तो मैं उसके लिए खिदमत करूँ और अल्लाह मुझसे काम लेगा। मुझे कहें कि मैं उनके काम आऊँ, मैं और बड़ा यानी इरादे नहीं कि अल्लाह ताला उनको उसके ऊपर उतारे कि मैं कोई हॉस्पिटल बनाऊँ, मैं इस तरीके से कुछ काम करूँ। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा फैसला है।
9 अक्टूबर था। मैंने कहा देखो आप सोच लो। बोले नहीं बस मैंने तय कर लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मगरिब के बाद डाला, दूसरे दिन उसको मीडिया ने कवर किया और छोड़ा। मैंने कहा देखो ये बहुत बड़ा फैसला है ना, ये याद रखना। बोले नहीं। मैंने कहा बस अल्लाह मियाँ खैर करे। और फिर ऐसा वक्त गुजरता गया, नवंबर आ गया तो मुझे बुजुर्गों ने, मैंने मौलाना से मशवरा किया, मौलाना के बस निकाह करना है। फिर बुजुर्गों के मशवरे से निकाह ऐसे हुआ कि आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बहनेवी ने मेरा एक जोड़ी कपड़ा तैयार किया। मुझे पता भी नहीं था मेरा जुमा को निकाह है, जुमेरात को मेरे पास कपड़ा नहीं था। मैंने कहा बस हो जाना है, जाके मस्जिद में बैठ गया। अच्छा मौलाना अमर लाट साहब का बहन मस्जिद में शुरू था, मौलाना लेके गए, मैं बाथरूम में था, तैयार हो रहा था। यानी वो सिचुएशन में निकाह हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं कि जो आदमी मामूलात का और आमाल का पाबंद होता है ना, अल्लाह के साथ उसकी इतनी मदद होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और अल्लाह उसके काम बना देता है। दूसरे दिन हफ्ते वाले दिन हमारा छोटा सा एक वलीमा था, क्योंकि कोविड का ज़माना था, तो हमने 100-150 के दरमियान में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके एतबार से हमने घर वालों के दरमियान में दोस्तों के अंदर छोटा सा एक वलीमा किया। तो शाम के वक्त था, तो जाहिर सी बात है तैयारी होती है, घरों के अंदर मेहमान होते हैं, थोड़े बहुत 10 मेहमान भी हो जाते तो मस्तूरात में ये होता है। अब जाहिर सी बात है दुल्हन वो खुद थी, उसने उसकी सूरह वाकिया पढ़ी है, सूरह रहमान पढ़ी है, सूरह सजदा पढ़ी है। आज जब इशा के बाद फारिग होते मुझे कहने लगी मुझे सूरह रहमान सूरह वाकिया पढ़ने में, मौलवी खड़ा हो जा तू भी अब चुपचाप, अब कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा 1:30 बज रहा है कल पढ़ लेंगे, छोड़ो ना। मैंने कहा अभी सो जाओ, नमाज तो पढ़ ली है। बोले नहीं ये तो पढ़ना है। मैंने कहा अल्लाह मियां खैर करे। तो खुलासा ये निकला कि अल्लाह ताला जब दिल में डाल देता है और थाम लेता है ना, तो अल्लाह फिर काम भी ऐसा लेकर लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, इज्जत डाल देता है। हमारी एक बहन है इंडस्ट्री में, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो यानी इतनी मशहूर है और माशाल्लाह से वो यानी हर वक्त किसी भी तरीके से लाइट में रहती है। वो उनको मैसेज करने लगी कि यार आप गॉड की एंजल हो, आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे लिए भी अच्छा कर दे, और आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, सुकून आता है। तो मैंने इनको कहा कि आप इससे मिलो। तो मुझे कहती है कि सना पहले मुझे ऐसा लगता था कि आपने ये छोड़ दिया, आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, यानी अब आपका सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी दुनिया में चली गई हो, और आप बड़ी खूबसूरत लगती हो, और माशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला ने नूर डाल दिया है, ज़बान में तासीर डाल दी है, और फिर और कोई बात कह दी होगी तो 4 दिन के बाद उस बात अल्लाह ताला ने सच कर दी और उनका काम हो गया, तो लोग आना शुरू हुए। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला मेरे और आपके अंदर वो सलाहियत रखी है, लेकिन उस सलाहियत को हम खोलें और अल्लाह के आगे मांगे कि अल्लाह मेरे और आपसे ऐसा कोई काम ले ले कि जो हमारे आखिरत का जरिया बन जावे। दुनिया 4 दिन की है। ये कोरोना के जमाने में सबको पता चल गया कि यानी कोई बता नहीं सकता कि मैं इतना वक्त रहूंगा और मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा करूंगा। इरादा करना और अल्लाह से मांगना हमारे हाथ में, उसको पूरा करना अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आदमी कोशिश तो करे, और दुनिया किसी की कहीं नहीं जाती। वो मुझे कहती है कि आज यानी मैं खुद ये बात को समझता हूँ कि ये पहले मैं इतनी मशहूर नहीं थी। हमारी माँ बहनें और बुढ़ी अम्माएं जो घरों में होती है वो सना खान कौन थी पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब कहते वो सना खान एक है। एक अम्मा मुझे कहने लगी, कल की बात है, कल एक जगह पर मैं था तो वो बड़ी उम्र हमारे नाना रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से उनके साथ ताल्लुक था, तो मैं उनकी मुलाकात के लिए हाजिर हूँ। बोले वो गुजराती मुझे कहने लगी, बोली कोई सना खान जो अपना गुजराती पोरा साथ शादी कर ली छे के तो ये तू छे पची मैंने खबर पड़ गई के। तो मैंने कहा वो किस्मत थी आपने पहले देखना कि हमड़ा जो तारी वाइफ ने के। मैंने कहा दुआ कर जो मारा मटे ठीक है। ये शूटिंग में आती, शूटिंग करती थी। मैंने कहा शूटिंग करती थी ये पहला। तो वो कहने लगी मुझे कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग अब मुझे इतनी इज्जत के साथ बुलाते हैं। लोग पहले ये होता था कि लोग हमें देखकर अपनी बच्चियों को और हमारी बहनों को छुपा लेते थे कि यार ऐसे नहीं बन जाए, लेकिन आज बोले लोग आकर अपनी बच्चों के लिए दुआ कराने। यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके से टर्निंग लिया, यू टर्न कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया कि अल्लाह किसी की दुनिया जाए नहीं करता, और अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे देने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो बात का खुलासा यह है कि मेरी और आपकी जिंदगी की कीमत हम लगाएं और हम इसकी कीमत को पहचानें। अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है ये बहुत कीमती वक्त है कि इसके पीछे नबियों का सब कुछ लग गया, सहाबा का सब कुछ लग गया, उसके बाद आकर ये दिन मुझे और आपको पहुंचा है। हमारा दिन और हमारा सारी मुहर्रम का वक्त यानी महीना चल रहा है, ये भी कुर्बानियों के साथ है, और आखिर ज़िलहज्जा वो भी कुर्बानी वाला है कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के खान बच्चे के अहले बैत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ रज़ी अल्लाह ताला, कि कितनी मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत, कि अल्लाह इनसे जो मोहब्बत करेगा आप उनसे मोहब्बत करिएगा, और अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा आप उनसे बुग़्ज़ रखिएगा।
इंतहा दर्जे की, लेकिन कुर्बानी लगा दी। 72 अफराद अपने खानदान के, हजरत अली ने हजरत फातिमा के बाद जो निकाह किए थे उनके साथ 6 बेटे यानी 6 भाई साथ में शहीद हो गए। ये कोई छोटी मामूली कुर्बानी है कि 18-19 अफराद अपने घर के अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के। मेरा और आप, मेरा बोल लेना, आपका सुन लेना बहुत आसान है। और आखिरी महीना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे कुर्बानी, क्या आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी कुर्बानी के दिनों के अंदर बकरा ज़बह हो रहा होता है तो कमजोर दिल वाले मेरे वाले साहब नहीं देख सकते, कोई होते यानी वो नहीं देख सकते हम। यानी किसी को पत्थर लग जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है, तो कोई भी हमारा यानी जज्बा वो होता है कि हम उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकते कि यार इसको पहले हॉस्पिटल हम पहुंचाए, इसकी तीमारदारी करे, इसकी इलाज करवा ले। कोई भी इंसान होगा दुनिया में, यानी एक इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इब्राहिम इस्माइल की मोहब्बत आपके दिल में जगह पकड़ ली है। वो जब उठाकर कहा कि अल्लाह ये इस्माइल नहीं, एक इस्माइल नहीं, 100 इस्माइल आपके नाम पर कुर्बान। क्या वो यानी क्या वो जज्बा होगा, 94 साल की उम्र है, यानी आज का बुढ़ा मुर्गी नहीं पकड़ सकता, वो बेटे के बाल पकड़ रहा है और जमा कर रहा है, क्या कुर्बानी होगी। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर लाना था, नबियों की कुर्बानी एक फाउंडेशन है कि नबियों की कुर्बानी लगी है फिर जाकर यह उम्मत वजूद में आई है। कि आप अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का अगर दुनिया में आना मकसूद ना होता तो दुनिया का निजाम मकसूद ना होता। कि कायनात का जो ये नक्शा नजर आ रहा है मुझे और आपको, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में है। कि अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना मकसूद नहीं होता तो ये कुछ चीज नजर ना आती। उनसे भी अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी लेंगे। अम्मा आयशा कहती है कि या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा किन नबियों को तकलीफ हुई, तो क्या कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कि सबसे ज्यादा अल्लाह के दीन के खातिर मेरे कुर्बानी लगी है और सबसे ज्यादा मुझे सताया गया। हम पढ़ते हैं कि आग में डाला गया नबियों को, आरे से चीर दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दी गई है। कि ताइफ का वाकया उठाकर तो देखे मैं, यानी इस ठंडी हवा के अंदर आपको नहीं बता सकता। वो जगह के ऊपर हमें बुजुर्ग के साथ ताइफ वो जो जगह है वहां लेकर गए, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आजकल तो हुकूमत सऊदीया ने बहुत अच्छा उसको बना दिया है कि लोग वहां तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पत्थर, इतने पत्थर पड़े हैं कि जो उतबा जिसके हाथ में बदर की जंग का काफिरों की तरफ से मुशरिकीन मक्का की तरफ से झंडा जिसके हाथ में था, जिसको लीड कर रहा था, उसका झंडा उसके हाथ में था, उसको देखकर रहम आ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का क्या हशर कर दिया ताइफ वालों ने। कि अपने गुलाम अद्दास को भेजा कि अद्दास जाओ ये अंगूर और इनको रिश्तेदारी का वास्ता देना और कसम देना कि ये अंगूर रद्द न करना, ये आपको रिश्तेदारी का वास्ता है, ये अंगूर खा लेना। वो दुआ जो है अल्लाहुम्मा अश्को इलैक दुफा कुव्वती व किल्लत व हिलत व हवानी अलन नास, कि अल्लाह तूने मुझके किन के हवाले कर दिया, वो किस दर्द के साथ दुआ की होगी। तो वो कुर्बानियां लगी है नबियों की, सहाबाओं की, अल्लाह के नेक बंदों की, उसके बाद ये दिन मेरे और आप तक पहुंचा है। तो हमारे जिम्मे है कि इस दिन की कदरदानी करें और इसको हमारी जिंदगी में उतारे और इस दिन को सीखे। अल्लाह ताला ने हमारे जमाने के अंदर इस दावत की मेहनत को बहुत आम तरीके से जिंदा किया हुआ है और बहुत आसान तरीके से जिंदा किया हुआ है। कि बहुत आसान है, ना मदरसे में जाने की जरूरत है, ना किसी बुजुर्ग की खानका में इतना वक्त, यानी आदमी को ये होता है कि पूरा वक्त फारिग करके, अल्लाह ताला ने बहुत आसान सी मेहनत दे दी कि इसके अंदर अपने औकात को फारिग कर कर लगा हुए, इसका बड़ा फायदा होगा। लोग कहते हैं हमें आगे के यार ये जो अल्लाह के रास्ते, मुझे एक बहुत बड़ा आदमी इंडस्ट्री का कहने लगा, बोले मौलाना एक चीज समझ में नहीं आती कि ये अल्लाह के रास्ते में जा रहे होते हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे भी 4-5 होते हैं और ये 4-4 महीने चले जाते हैं, 40-40 दिन चले जाते हैं, इनका घर कैसे चलता है। बोले हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है और हमारी इनकम, बोले महीने में 2 काम हो जाए तो पूरे साल का खर्चा निकल जाए, लेकिन 2 काम नहीं हो, हमारा टारगेट नहीं पूरा हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम फकीर हो गए। ये कैसे निकल जाते हैं, और कामकाज अक्सर साथी कामकाज बंद करके जाते हैं। अपना तबलीग का काम क्या है कि अपना माल अपना जान और अपना वक्त। तो बोले लगाते कैसे, मैंने कहा आपको क्या लगता है
तो कहने लगा, पहले तो ये लगता था, मैंने क्या कितनों को कौन देगा, कितनों को कौन देगा, दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं है कि जहां अल्लाह ताला ने इस दावत की मेहनत को जिंदा नहीं किया हो, हर जगह के ऊपर काला हो, गोरा हो, अरब हो, आजम हो, इंग्लिश जानने वाला हो, उर्दू जानने वाला हो, जो जबान जानने वाला हो, यानी हर जगह पे चलाओ। एक खसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक मेहनत को इस जमाने में हमारे मुल्क से चलाया, यानी अल्लाह ताला ने हमें कितने प्यारे मुल्क में रखा है कि हिदायत की हवा को अल्लाह ताला ने इस जमाने में हमारे मुल्क से उठाया, कि मौलाना इलियास साहब को इसी मुल्क के अंदर पैदा किया और इसी मुल्क से अल्लाह ताला ने उठाया और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क से इस मेहनत को जिंदा किया, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बोला हाँ वही कह रहा हूँ कि मैं दुबई था तो दुबई जा रही थी जब, वो बोले थैला पोटला उछल के जा रहे होते, बोले हमको ऐसा लगता है कि यानी वेस्टकोट का या टी शर्ट का या शर्ट का बोले स्किन भी आईन भी ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा लगता है कोई देख रहा, बोले इनको कोई परवाह नहीं है, बोले मैंने कहा इनको कोई परवाह नहीं है, बोले कहीं भी बिस्तर लगा के सो जाते हैं, मैंने कहा बस सो जाते हैं। और फिर कहने लगा, वही कहने लगा मुझे कि यार मैं बड़ा ताज्जुब करने लगा कि उसमें एक साइंसदान था और एक कंपनी का मालिक था, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सब होते हैं, गरीब भी होता है अमीर भी होता है, सब एक ही सपने सोए होते हैं और सब एक ही तरह से खाना खा रहे। बोले यार ये बड़ी बात है यार, हमारे यहाँ होता है कि जिस तरीके से किसको मिलना होता है तो उसका वक्त अलग होता है। मैंने कहा यही तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को खत्म की थी कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान एक बराबर है, कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो बोले बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन इनके घर का खर्चा, मैंने कहा यार यही तो सोचने की बात है, मैंने कहा यार मैं आपको जितना भी बतलाऊंगा ना इसके फजीलत आपको समझ में नहीं आएगी, आप एक दफा मेरे साथ चलो तो मैंने कहा मजा आएगी आपको। बोले यार ये मुश्किल चीज है, मैंने कहा ये जब एक दफा आप उसका शहद की उंगली चख लोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा शहद देख के कैसा मक्खी देख के डर लगती है लेकिन उसको जब निकालते तो कितना मीठा होता है, मैंने कहा एक दफा आप आओगे तो इसका पता चलेगा। तो मतलब कहने की बात मेरी ये थी कि लोग इस वक्त अल्लाह के दीन की तरफ आ रहे हैं और अल्लाह ताला हिदायत की हवा को चला रहा है, बस इसके अंदर हम सवार हो जावे, अपने अवकात को फारिग करे और अपने आप को इसके अंदर लगावे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।